मंदिरों की नगरी उज्जैन में साक्षात ब्रह्मांड नायक बाबा महाकाल विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए देश भर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं बाबा के पवित्र सावन माह में यहां हर्षोल्लास और दर्शन करने वालों की भीड़ और बढ़ जाती है, लेकिन सवारी मार्ग में रहने वाले वर्ग विशेष के लोगों की करतूत ने सभी को शर्मसार कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की सवारी सावन के सोमवार में प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आम जन की सुविधा व सवारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। उसी का एक नजारा कल वर्ग विशेष की युवाओं द्वारा बाबा महाकाल की सवारी के ऊपर थूकने के मामले में नजर आया, जिसमें प्रशासन द्वारा लगाए गए शहर में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरों से की जा रही वॉचिंग से आरोपियों को तुरंत पहचान कर गिरफ्तार किया गया। वर्ग विशेष के युवाओं ने किया समाज को शर्मसार, बाबा महाकाल की सवारी पर कुल्ला कर थूका। वीडियो में कैद हुई शर्मसार करने वाली घटना, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष, आरोपियों पर की रासुका लगाने की मांग। मामले को लेकर उज्जैन जिला अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके द्वारा की गई हरकत को प्रशासन द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से आइडेंटिफाई कर तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आगे ऐसी घटना ना घटे इसको लेकर सवारी मार्ग में रहने वाले संपूर्ण रहवासियों से बैठक कर समझाइश दी जाएगी कि ऐसा कृत ना करें और किसी को ना करने दें। ये घटना भी जो है वो जो हमारे पॉइंट्स लगे थे उनके द्वारा हमके बताई गई थी। इसमें जो आरोपियों का चिन्हांकन हुआ वो पुलिस टीम के द्वारा ही किया गया और उनको उनकी गिरफ्तारी और अभिरक्षा भी उन्हीं की निशानदेही पे हुई थी। भविष्य में यही किया जा रहा है कि ये जितने भी हमारे सेक्टर हैं जहाँ पर सवारी निकलती है, इनमें सभी लोगों से एक बैठक की जाएगी, समझाइश दी जाएगी और एक्टिव पेट्रोलिंग हमारी जो है जो हाई राइज पॉइंट्स लगते हैं उनका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम डेवलप करें। घटना को लेकर संत अवधेशपुरी महाराज ने आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों के मकान तोड़ने व रासुका की कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो आरोपियों के ऊपर जांच कर सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। अभी कल भगवान महाकाल की सवारी पर कुछ मुसलमान युवकों द्वारा थूका गया। ये घटना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और केवल निंदनीय नहीं, यह अपने आप में बहुत ही दंडनीय भी है। मुझे घोर आश्चर्य होता है कि हम जब उज्जैन में भाईचारा बना करके रखना चाहते हैं, आज तक किसी हिंदू ने, जब आप इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं तो किसी हिंदू ने जाकर के उस पर नहीं थूका। आपके उर्स के प्रोग्राम होते हैं, किसी भी हिंदू ने जाकर उन पर नहीं थूका और न तो आज तक पत्थर बरसाए। लेकिन यह घोर आश्चर्य की बात है कि जब हम आपको सम्मान देना चाहते हैं तो आप हमारा और हमारे आराध्य भगवान महाकाल का अपमान करना चाहते हैं। ये कितनी गलत बात है कि आप भगवान महाकाल की सवारी पर थूक रहे हैं। जो भगवान उज्जैन के राजा हैं, हम उनको राजा मानते हैं, तो यह अपमान केवल भगवान के भक्तों का नहीं है, ये अपमान केवल हिंदुओं का नहीं है, ये अपमान है भगवान महाकाल का, और महाकाल का अपमान कोई भी हिंदू सहन नहीं कर सकता। इसलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्रेम और सौहार्द की बातें करते हैं, तो फिर आपको इतनी नीच हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप कल्पना करें कि लाखों की संख्या में हिंदू भगवान महाकाल की सवारी में शामिल होते हैं और अगर उनका सब्र का बांध टूट जाता तो क्या होता, वो आप पर हमला कर देते हिंदू तो आपका क्या होता। दूसरी बात, अगर सवारी में भगदड़ मच जाती तो आप कल्पना करें कि कल कितनी जाने जा सकती थी, कितने लोग मर सकते थे। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आप स्वयं इतनी सारी निगरानी करते हो, इतनी सारी जांचें करते हो सवारी निकलने से पहले, तो फिर इस तरह की घटनाओं पर आप क्यों असफल हो जाते हो, आपको क्यों नहीं समझ में आता, क्यों नहीं आपको पता चलता कि हाँ ये हो सकता है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन दोषियों पर कम से कम इनके जो मकान हैं उनको तुरंत तोड़ा जाए, रासुका की कार्रवाई की जाए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी तो भविष्य में इस प्रकार की गलती ये लोग नहीं करेंगे। इसलिए समझते हैं मनाते हैं तो साथ सिर्फ ये देखना होता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रशासन को भी उतना ही अलर्ट रहना होता है, तो कोई चीज़ें बनने नहीं पाएँ उसके पहले अपन उसमें अलर्ट हो जाएँ, सिर्फ पर्पज़ इतना सा है और उसी के ऊपर
इसमें सबको नॉलेज में भी दिया है। मेरा इतना कहना है उसके अंदर कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वो घोर निंदनीय है, मगर ऐसी घटना की जांच होनी चाहिए और उसके सही जगह पे पहुंचना चाहिए।